सुंदर रंग बिरंगे कपड़े मेड इन इंडिया, लेकिन इनमें एक कमी है, उत्पादन के दौरान निकलने वाला गंदा पानी जो दुनिया में करीब 20% जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, खासकर रंगाई और आखिरी धुलाई की वजह से। भारत वर्षों से गंभीर जल संकट से जूझता आ रहा है, वजह जलवायु परिवर्तन ही नहीं बल्कि पानी का बेजा इस्तेमाल भी है। कपड़ा रंगने और प्रिंट करने के पुराने तरीकों में ज्यादा पानी लगता है। भारत में प्रशासन इस समस्या का हल ढूंढ रहा है। पर्यावरणीय नियमों में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, मतलब फैक्ट्रियों को गंदा पानी अपनी सीमाओं से बाहर बहाना मना है। सुनने में अच्छा है, लेकिन सच्चाई क्या है? गुजरात राज्य में 1500 से ज्यादा मझोली और बड़ी कपड़ा कंपनियां हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्रों में से एक है, लेकिन फैक्ट्रियां गंदा पानी नदियों में छोड़ देती हैं, क्योंकि पानी साफ करने की तकनीकों से उत्पादन ज्यादा महंगा पड़ता है और मुनाफा घट जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में बोधी नाम की एक कंपनी कुछ अलग कर रही है। कसीदाकारों, रंगसाजों और शिल्पकारों की ये कंपनी अपना गंदा पानी रिसाइकल कर देती है। हमें जीरो डिस्चार्ज यूनिट होने का सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब हम अपना गंदा पानी बहाते नहीं हैं। वो हमारी वर्कशॉप में रिसाइकल हो जाता है। इस प्रक्रिया से जो भी पानी हमारे काम के दौरान निकलता है वो हमारी फैक्ट्री में ही इस्तेमाल होने या खुले में बहाने या फिर सिंचाई में इस्तेमाल होने के लिए सही होता है। बोधी कंपनी अपने तमाम गंदे पानी की सफाई प्राकृतिक रूप से करती है। सह संस्थापक प्रदीप सिन्हा दिखाते हैं कि फ्लॉकुलेशन प्रक्रिया में चूना और फिटकरी कैसे इस्तेमाल होती है। आप करीब आकर खुद देख सकते हैं कि फ्लॉक बनने लगे हैं, जल्द ही वो तल पर आ जाएंगे। यहाँ फ्लॉक बनते हैं, यानी कणों के बड़े बड़े गुच्छे। फिटकरी और चूने का घोल कणों को एक दूसरे से चिपकने में मदद करता है। जितना बड़ा गुच्छा होगा उतना ही आसान होगा उन्हें हटाना। सारी गाद नीचे तल पर जमा हो गई है, ऊपर का पानी साफ है। अगर कुछ समय और छोड़ दिया जाए तो पानी ऊपरी सतह पर बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा। कहना कि ये क्यारियां सजावटी नहीं है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है और कहना की जड़े भारी धातुओं को भी साफ कर सकती है। केना का पौधा अपने आप में कुछ नहीं करता, उसकी जड़ें बहुत काम की हैं जिनमें बैक्टीरिया होते हैं। पानी जब इस जैविक परत से गुजरता है तो वो रेत और फिर गिट्टियों की तह से होकर छन जाता है और पानी में जो कुछ भी होता है वो फिल्टरों में फंस जाता है। गंदे पानी की रिसाइकलिंग से जल प्रदूषण में कमी आती है, लेकिन कपड़े की छपाई का तरीका बदल दें तो गंदा पानी पहले ही कम हो सकता है। गुजरात स्थित केमिकल कंपनी जाइडेक्स ने रिएक्टिव प्रिंटिंग का पुराना तरीका हटाकर रंगों से प्रिंटिंग का ज्यादा टिकाऊ विकल्प अपनाया। इसमें कपड़े पर सीधे डाई चढ़ाने की बजाय रंग के पेस्ट बनाकर उस पर छापे जाते हैं। फायदा यह है कि पानी की खपत कम है, पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं चाहिए और ना ही गंदे पानी का झंझट। अपनी लेटेस्ट छपाई तकनीक एप्रिकॉन के जरिए कंपनी का दावा है कि उसने रंग छपाई से जुड़े नुकसान दूर कर लिए हैं। This is a pigment. ये रंग आधारित छपाई का तरीका है, लेकिन ये पहली बार है कि हमें रिएक्टिव प्रिंटिंग जैसे नतीजे मिल पा रहे हैं, चाहे ये कपड़े के स्पर्श में हो या फिर प्रिंट खराब ना होने से जुड़ा हो या फिर धुलने या रगड़ने से रंग ना उतरने संबंधी हो। जाइडेक्स की तकनीक में रिएक्टिव प्रिंटिंग से 75% कम पानी खर्च होता है, ऊर्जा खपत भी 55% कम हो गई है। वहीं रोजाना औसतन 1000 लीटर पानी की रिसाइकलिंग कर बोधी कंपनी ने आम औद्योगिक मानकों की तुलना में करीब 1/3 कम पानी इस्तेमाल करके अपनी प्रतिबद्धता निभाई है। जाइडेक्स और बोधी के जैविक समाधानों से जल प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिली है।
भले ही ये उपाय बहुत ही छोटे स्तर का है लेकिन व्यावहारिक है। इसमें प्रतिबद्धता भी है, सही निगरानी और आकलन भी। ये एक मॉडल बन सकता है जिसे कई अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है। कपड़ा उत्पादन में इस्तेमाल के लिए बोधी में बारिश का पानी भी जमा किया जाता है। वो तरीका भी आजमाने लायक है। भूजल की अपेक्षा बारिश के पानी में कम खनिज होते हैं, इससे ज्यादा स्थिर रंग मिलते हैं जो लंबे समय तक कपड़े पर टिकते हैं।